दिल्ली के मजनू का टीला इलाके से खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर एक पुलिसकर्मी ने बहादुरी से एक शख्स को यमुना नदी के दलदल में डूबने से बचा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स दलदल में डूबा हुआ है और शोर मचा रहा है। इस दौरान वहीं आसपास खड़ी पुलिस ने उस शख्स की मदद की और उसकी जान बचाई। उस शख्स को बचाने के लिए शिव कुमार ने काफी सारी रस्सियां और कुछ पुराने कपड़े इकट्ठे किए, जिसके बाद उन्होंने एक लंबी रस्सी तैयार की। फिर शिव कुमार वो रस्सी उस शख्स को देते हैं और उन्हें ऊपर आने के लिए बोलते हैं। इस तरह उस शख्स की जान बच जाती है। जी मैं ऐसे ऐसे इधर क्या था, चंद्रग्राम अखाड़े वाले रोड से सीधा आ रहा था, जंगल में चला गया। वहाँ पर मुझे पता नहीं था, मेरा पैर फिसल गया, मैं दलदल में नीचे गिर गया और मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। इतने देर अंकल जी वहाँ पे क्या कहते हैं इधर जंगल की साइड देखने को आए, तो उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने रस्सी रस्सी का जुगाड़ करके बड़ी मुश्किल से मुझे बचवाया। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली ने पुलिस कांस्टेबल शिव कुमार द्वारा बचाए गए शख्स का वीडियो रिलीज करते हुए दिल्ली पुलिस जीवन रक्षक का टैग दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, थाना सिविल लाइंस के सिपाही शिव कुमार ने दौरान एक गश्त बचाओ बचाओ की आवाज सुनी और देखा कि यमुना के दलदल में एक व्यक्ति डूब रहा है। उसने बहादुरी व सूझबूझ से गणपति विसर्जन के दौरान फेंके गए कपड़ों को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया और उस व्यक्ति को बचाया। नवोदय टाइम्स के लिए दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट।